सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी शाम के बज गए 6 और अभी हम लोग अहमदाबाद से जा रहे हैं फिलहाल तो अपने गांव की ओर, जो कि है पालनपुर की साइड। तो उधर अभी कार लेके जा रहे हैं, अपना अकेले ही कार खाली है पूरी। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं उधर गांव की ओर। निकले थे शायद से 5:30 बजे को निकले थे, आधा घंटे हुए चले हुए, और किलोमीटर अपन ने कवर कर लिए शायद से 30 किलोमीटर के आसपास अपन ने कवर कर लिया अभी तो। और थोड़ा अभी आगे जाना है, आगे जाके महसाना के बाद शायद से एक ब्रेक लेंगे चाय पीने के लिए, क्योंकि अगर अकेले होते हैं तो फिर क्या होता है कि घंटा लगा होता है और फिर इंसान ऐसा क्या कहें अकड़ जाता है बदरी से लेकर। सो अभी महसाना के आगे जाके एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद सीधा फिर जाएंगे अपने गाँव पर। इधर से टोटल अपना अहमदाबाद से अपना गाँव पड़ता है 127 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो अभी शायद से उसमें से 30 किलोमीटर अपन ने कवर कर लिए है। तो सीधा फिर मिलते हैं आगे, रास्ते में कुछ हो तो बताएंगे, रास्ता अभी तो देख सकते हैं। सो हेलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हमारे गांव के नज़दीक, शायद से अभी 2-3 किलोमीटर होगा यहाँ से। रास्ते में एक महसाना के आजू बाजू ब्रेक लिया था चाय पीने के लिए, तो उधर से फिर चाय पी के सीधा निकल गए थे अपन जाने के लिए। और अभी पहुँच गए अपने रास्ते में, ये 2 किलोमीटर है शायद से अभी। तो फाइनली अपने पहुंच गए अपने गांव में, और यहाँ पे अपने गांव के रास्ते से एंट्री ले रहे हैं फिलहाल तो। और यहाँ पे लेफ्ट में एंटर होते ही आता है एक मंदिर, शायद से दिख रहा हो तो, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में से पब्लिक आती है, जिसका नाम है वीर बरा दादा का मंदिर। जो मंदिर है शक्तांबिका माता जी का मंदिर। तो ये मंदिर भी बहुत फेमस है, अपने गौतमी ब्राह्मी जो लोग होते हैं उनकी कुलदेवी है यहाँ पे। और इधर भी बहुत लाइक ऑल ओवर इंडिया से पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए। और ये आ गए अपने घर पे, तो फाइनली 2.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद अहमदाबाद से फिलहाल पहुंच गए अपने घर पे। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज है नेक्स्ट डे और हम लोग इधर आ गए थे कल शाम को, कल रात को यानी के। तो आके सीधा खाना खा के फिर सो गए थे, और रात को कुछ वैसे किया नहीं था ज़्यादा, तो 10 बजे तो सो ही गए थे। और सुबह 4:30 बजे उठ गए थे, क्योंकि इधर अहमदाबाद से बहुत ज़्यादा ठंड है इधर को, आप मानो या ना मानो, देख सकते हैं। द वेदर हियर इज सो ब्यूटीफुल गाइस। सो यहाँ उधर से लेके ये सारा पूरा कंपाउंड देख सकते हो, ये पूरा अपना ही है, ये है सुनील जियो का टावर। तो आज फाइनल 1 साल बाद, हाँ ऑलमोस्ट 1 साल हो ही गया होगा अभी तो फाइनल 1 साल बाद अपने बाल बड़े करने के बाद आज फिर से अपन उनको जा रहे कटाने के लिए। सो 1 साल बाद अभी बाल कटवाने वाले, तो ऐसे अंदर से तो हो रहा है कि नहीं कटवाने, लेकिन क्या करें, अभी नवरात्रि आ रही है सामने, तो नवरात्रि में अपने को परफॉर्म करना है, तो उधर भी स्टेज पे अच्छा दिखना चाहिए। और उसके बाद तुरंत ही दिसंबर में अपने बहन के शादी है, तो उसके लिए भी अगर नवरात्रि में नहीं कटाते तो दिसंबर में ही कटवानी पड़ती अपने को। तो सोचा कि अभी पहले ही कटवा लेते हैं, क्योंकि नवरात्रि में भी अच्छे लगेंगे फिर, तो इसीलिए आज ऑलमोस्ट 1 साल बाद अभी कटवा रहे अपने बाल। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। So this is why village life is much better than the city life. You can see कितनी ही greenery भाई साहब आजू बाजू, ये सब city में उधर अहमदाबाद में देखने को नहीं मिलता भाई, उसके लिए जाना पड़ता है गाँव पे। आ जाओ, सामने यहाँ पे आ गए एक नाला,
जो कि है अंडर ब्रिज, जिसका अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है 5 सालों बाद भी। तो फाइनली आज 8 महीने बाद अपन ने अपने बाल कटवा ही लिए हैं और ये है अपना लुक जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। वैसे कुछ ज़्यादा करवाया नहीं है, सिर्फ ऐसे बोला था कि रफ कट चाहिए मेरे को, तो ऐसा रफ कट ही करवाया, कुछ ज़्यादा स्टाइल वगैरह नहीं करवाया अपन ने। तो ऐसा अंदर से दुख तो हो रहा था जब जाके बैठे उधर कि यार 8 महीने तक इनको मतलब कि पाला है, इतना बड़ा किया, तो अभी ये होता है ना अंदर से दुख। हुआ तो बहुत मेहनत की थी बाल बढ़ाने के लिए और उसमें एक चीज़ है कि अपना पेशेंस लेवल बहुत ही कम था, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने इतने बाल बढ़ा लिए 8 महीनों तक। तो हाँ, अभी 8 महीने के बाद अपन ने बाल कटवा लिए फाइनली अभी, और कुछ ऐसा दिख रहा है। बियर्ड भी थोड़ा सेट करवा लिया है। वैसे तो ये सोच रहा था कि दिसंबर में बहन की शादी है तो तभी मैं कटवाने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि दिसंबर अगर कटवानी है तो पहले ही कटवा लेते, क्योंकि अपना नवरात्रि में परफॉर्म करने वाला है तो उसके लिए भी लुक कुछ अच्छा चाहिए, तो इसके लिए कटवा ही लिए पहले। अब सबको ये लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे।